सबसे साइन करा, हम सब तो कर दिए ना, सभी गीता पाठ वाले साइन है तो उसमें भी हो जाएंगे। कृष्ण का यमुना के साथ कनेक्शन और राम तेरी गंगा में ही कैसे? यमुना तो सदैव ही भक्ति मार्ग में, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो मैली ही मैली है, क्योंकि काली मिट्टी के बीच से बहती है। जिस मिट्टी के मध्य बहती है वो मिट्टी ही कैसी है? हैं? काली मिट्टी है। यमुना भी भक्ति मार्ग में जहाँ जहाँ उसका पार्ट है, जहाँ कहीं भी जन्म लेती है, तो कांटों का ही जंगल है। गंगा काली मिट्टी से नहीं बहती है, गंगा की मिट्टी सफेद रुपहली होती है। ये देह अभिमानी की मिट्टी है, जिसका संग का रंग जरूर लगता है, कन्याओं को जल्दी लगता है, इसलिए भारत में कन्याओं की बहुत सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। जो भी देवियां हैं वो सब कन्याओं के रूप में पूजी जाती हैं। उनका चित्र पवित्र स्वरूप की यादगार है, परंतु पार्ट में भिन्नता हो जाती है। गंगा को जन्म जन्मांतर का पवित्र आत्माओं का संग मिलता है, इसलिए गंगा के किनारे कौन बैठे रहते हैं? पवित्र जीवन बिताने वाले सन्यासी बैठे हुए होते हैं, परंतु कलयुग के अंत में वो सन्यासी भी कैसे हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है राम तेरी गंगा मैली। ये कलयुग अंत की बात है, हर युग की बात नहीं है, बाकी कृष्ण का अर्थ ही होता है काला है? कृष्ण पक्ष है, उसमें चंद्रमा काला हो जाता है, काले कृष्ण की पूजा भी होती है और बच्चे के रूप में पूजा होती है। बच्चा महात्मा होता है या बच्चा दुरात्मा होता है? तो कृष्ण बच्चे को महात्मा न दिखा करके दुरात्मा काला क्यों दिखा दिया? कहाँ की यादगार है? संगम युग में कृष्ण की आत्मा
दादा लेखराज के रूप में जो पार्ट बजाती है वो समझदार का पार्ट नहीं बजाती। ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों को सुनती तो है लेकिन समझती नहीं है। न समझ पाने के कारण अपना जीवन रहते रहते खुद भी पवित्र नहीं बनती और अपने फॉलोअर्स को भी पवित्र नहीं बना सकती। खुद भी काली की काली और फॉलोअर्स भी काले ही रह जाते हैं। शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके और ही काली हो जाती है। इसलिए कृष्ण का कनेक्शन यमुना नदी से जोड़ा गया है। गंगा नदी के पास, गंगा नदी के किनारे रामनगरिया बसाई जाती है। रामनगरिया राम की बसे गंग के तीर। तो गंगा जी के किनारे जन्म जन्मांतर जो समीप रहने वाली आत्माएं हैं वो समझदार आत्माएं हैं। पापों का मल इतना नहीं करता है जो बुद्धि एकदम विकृत हो जाए। पत्थर बुद्धि बन जाए। राम सीता वाली आत्माएं अंतिम जन्म में भी आदिसो अंत के नियम के मुआफिक संगम युग के स्वर्णिम काल में विष्णु तो सृष्टि के अंत काल में भी विष्णु के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए गायन है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। लेकिन चित्र कौन सा देखा आपने? चित्र कभी भी ये नहीं देखने में आया होगा कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये चित्र कहाँ की यादगार है? संगम युग में जो चरित्र बजाया गया उसकी यादगार है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दादा लेखराज ब्रह्मा और उनकी युगल यशोदा वो यज्ञ को चलाने के निमित्त नहीं बनते। ज्ञान यज्ञ के वो अधिष्ठाता नहीं होते। ज्ञान यज्ञ का अधिष्ठाता नहीं, होमरादि तो बाद में आती है। ज्ञान का बीजारोपण तो पहले ही हो जाता है और वो ज्ञान का बीजारोपण जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पार्ट अदा करती है ऐसे ही राम की आत्मा शंकर का पार्ट अदा करती है अपने अंतिम जन्म में।
इसलिए शास्त्र में कहा गया है, शंकर भजन बिना नर भगति पावे मोर। शंकर के बगैर मुझे भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान है शिव, जिसको रामायण में राम के रूप में दिखाई दिया है, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। वो राम सीता वाली आत्माएं ही अंतिम जन्म में भी आपस में संस्कार मिलाने वाले विष्णु के रूप में रहती है। जिसको फॉलो ब्रह्मा सरस्वती ने किया, सरस्वती के 100% संस्कार किससे मिलते थे? ब्रह्मा से। और ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा साकार है तो बाप भी साकार होना चाहिए। ब्रह्मा है बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, तो माँ को रचने वाला कौन? बाप। तो संस्कारों में मेल हो जाता है। जैसा माँ बाप वैसे ही ब्रह्मा सरस्वती, ये दोनों ही विष्णु के रूप हैं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जहां कहीं भी जाकर के देखो, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अलग रखी हुई है और बाजू में कमरे में विष्णु की मूर्ति अलग रखी हुई है, है? हाँ जी, विष्णु का टाइटल है नर नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले। जिनको वास्तव में गीता का ज्ञान मिलता है, भगवान गीता का ज्ञान देते ही है नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए। परंतु ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा और उनको फॉलो करने वाले सुनने सुनाने का फाउंडेशन बहुत डालते हैं। ये है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। अभी भी उन ब्रह्मा के फॉलोअर्स को प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए, वो भक्ति मार्ग के फाउंडेशन पाम्प एंड शो में डूबे हुए हैं या यथार्थ ज्ञान की बातों को फॉलो करते हैं? पाम्प एंड शो में डूबे हुए हैं। उसे कहेंगे भक्ति। भक्ति कहाँ से आती है? हैं? रावण से भक्ति आती है। तो जहां से भक्ति आती है उसका प्रैक्टिकल रूप कौन हुआ? हैं? फोटो
जहाँ से भक्ति आती है, कहते हैं रावण से भक्ति आती है, तो जहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है, फाउंडेशन पड़ता है, सुनने सुनाने का, पंप एंड शो करने का, उसका मूल रूप प्रैक्टिकल में कौन है? हाँ, दीदी दादियां भी सुनेंगी। तो ब्रह्मा रावण का रूप है, है? है? रावण का बाप काला। इसलिए रावण के चित्रों में 10 मुख दिखाए गए हैं बच्चों के रूप में, 5 विकार स्त्री रूप में, 5 विकार पुरुष रूप में, और 10 सिरों का बाप है देह अभिमान, जिसको गधे के रूप में दिखाया गया है। गधे की शिफ्ट होती है, कितनी भी बार उसको नहलाओ धुलाओ, कितना भी ज्ञान स्नान कराओ, फिर भी वो क्या करेगा? देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाएगा। अभी भी कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है, ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है, अभी अभी ज्ञान स्नान करती है, और अभी अभी जाकर के पूर्व जन्म की स्मृति के प्रभाव से जिस बच्ची को साकार जीवन में ज्यादा याद करता था, अपनी ओर बार बार खींचता था, और वो बच्ची भाग जाती थी मोह के कारण, उसी बच्ची में फिर प्रवेश कर जाता है। इतना देह अभिमान की मिट्टी खींचती है, इसलिए वो मिट्टी कौन सी नदी के किनारे की है? हाँ, यमुना नदी के किनारे की मिट्टी है। सेवा की शुरुआत भी कहाँ से करती है? दिल्ली में पहला सेवा केंद्र खोला गया, कमला नगर। दिल्ली है सेवा का फाउंडेशन स्थान। कौन सी नदी का कंठ है? यमुना नदी का कंठ है। उस यमुना नदी के कंठे पर कृष्ण के चरित्र गाए हुए हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी मिट्टी है? गंगा की मिट्टी को शरीर में लपेटो और एक डुबकी लगाओ, सारी मिट्टी साफ। और यमुना की मिट्टी जमी शरीर में लपेटो, नहाते हैं तो मिट्टी लेके शरीर में रगड़ते हैं ना, तो यमुना की मिट्टी एक बार में साफ नहीं होगी, चिपक के रह जाती है। तो ये भारत की नदियों की शिफ्ट है, कोई नदियां काली मिट्टी वाली है,
और कोई नदियाँ रुपहली मिट्टी वाली है, कोई के देह अभिमान की मिट्टी बहुत चिपकती है, छूटती नहीं। जैसे लता पेड़ से चिपक जाती है चारों ओर से, यही कारण है कि जन्म जन्मांतर की मिट्टी देह रूपी वस्त्र से लिपट जाती है तो आत्मा भी काली पड़ जाती है। इतना ज्ञान स्नान होता है बेसिक में और एडवांस ज्ञान में। बेसिक में तो हल्का ज्ञान है और एडवांस में तो बहुत गहरा है, फिर भी उस ज्ञान जल का कोई असर नहीं होता। अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, शिवोहम बनने के, ब्रह्मास्मि बनने के, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भक्ति मार्ग में आदि से ही मानी जाती रही, गीता का भगवान। तो संस्कार कृष्ण की आत्मा में पक्के पड़े हुए हैं कि मैं ही गीता का भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही शिवोहम हूँ। शिव का साकार प्रैक्टिकल रूप मैं ही हूँ। ये बात बुद्धि रूपी पटल से उतरती नहीं है। कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते है? 70 साल हो गए, ऊपर हो गए। जो श्रुत बुद्धि बच्चे हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बालिक बुद्धि बच्चे हैं, उर्द्रमाला के मणका स्वरूप आत्मा रूपी बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण की आत्मा नहीं है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। ये मुख्य बात है, ये कालेपन की शुरुआत का फाउंडेशन यमुना नदी से लगता है। मूल कारण यमुना नदी है। इसलिए यमुना के कंठे को पहले सुधारा जाए। जहां नई दुनिया की शुरुआत हो, इस्लाम धर्म का बीज को भीष्म बताया गया है और भीष्म का जो माता जो है गंगा को दिखाया गया है, तो ज्ञान में भीष्म वो इस्लाम धर्म की आत्मा को ज्ञान में लाने का निमित्त क्या, वो गंगा बनी थी? वो कार्य होने वाला है भक्ति मार्ग में, कहते हैं पतित पावनी गंगा, और ज्ञानी समझते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है। कौन है? हाँ? एक परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है।
चाहे गंगा हो या कोई भी नदी हो, वो पतित पावनी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पानी की नदियां हैं। पानी जिसे बिलोने से, मंथन करने से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। एक ज्ञान सागर ही है जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, सार निकला। और मंथन, मनन, चिंतन ये निराकार सुप्रीम सोल करता है, या जिसमें प्रवेश होता है वो करता है। निराकार तो असोचता है, वो तो सदैव ही त्रिकालदर्शी है। उसको मंथन करने की दरकार ही नहीं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो आत्मा मंथन करती है। वो है ज्ञान का सागर। यज्ञ के आदि से बेसिक में भी वो नदियां वहां से निकली। यज्ञ के आदि में भी गंगे दादी निकली, और एडवांस में भी गंगा निकलती है। आदि में भी नदियां थी और अंत में भी नदियां हैं, लेकिन नदियों का पानी पानी है। नदियां मनन चिंतन मंथन करके नया सार नहीं निकालती, नई बातें नहीं निकालती। ज्ञान सागर से मनन चिंतन मंथन हो करके नए नए ज्ञान के रतन निकलते हैं, जिनसे बुद्धि पवित्र बनती है। इसलिए चाहे गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, वो नदियां पतित पावनी नहीं है। हाँ, वो नदियों का 100% कनेक्शन अगर बाप से जुटा हुआ है, ज्ञान सागर से जुटा हुआ है, तो नदियां भी पतितों को पावन बनाने के कार्य में सहयोगी बन जाती है। जो नदी 100% सहयोगी बनी, बहुत सेवा करती है, उस अच्छे बच्चे को या बच्ची को बाप प्यार में आकर के सर माथे पर रखते हैं। जैसे अष्टदेव आत्माएं हैं, उनको प्यार में आकर के शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है, नौ रुद्राक्ष के मणकों के रूप में। ऐसे ही अष्टदेव में गंगा का स्थान नहीं है, क्योंकि वो तो सन्यासियों को जन्म देने वाली है। सन्यासियों के परिवार की है, भगवान बाप के साथ भी
जो जीवन बिताया है वो स्वल्प काल के लिए गंगाधर के रूप में बिताया है, जो शंकर के सिर पर कन्या के रूप में गंगा दिखाई जाती है, बाकी तो सन्यासी बनकर के रहती है। और सन्यासियों का परिवार ही उसे ज्यादा पसंद करता है, इसलिए सूर्यवंशी नहीं कहेंगे, कौन से वंश की कहेंगे, सन्यास वंश की पक्की। भीष्म पितामह भी सन्यासी थे, और सन्यासियों में सर्वोत्तम सन्यासी माने गए हैं। उनसे पहले भी सात बच्चों का जन्म हुआ और सातों ही वसुदेव सन्यास धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। भीष्म पितामह भी सन्यासी, और वो सातों आत्माएं जो बाद वाले सतयुग के सात नारायणों का पार्ट बजाती है वो भी भक्ति मार्ग में और धर्मों में कन्वर्ट होकर के निवृत्ति मार्ग के धर्मों का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। इसलिए भीष्म पितामह उन सन्यासियों में सर्वोत्तम सन्यासी हैं। जितने भी निवृत्ति मार्ग के धर्म हैं, उनमें सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है, इस्लाम धर्म। उस धर्म की बीज रूप आत्मा है पावरफुल आत्मा है। शंकर के भी दो पुत्र दिखाए जाते हैं, एक निचाट सन्यासी बन गया और एक प्रवृत्ति मार्ग वाला बन गया। बड़ा बच्चा कौन था, नहीं है कार्तिकेय, दक्षिण भारत में जाकर के प्रचार करता है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, माने विदेशी धर्मों का फाउंडेशन डालने वाला है। विदेशी धर्मों में भगवान को मानने वाले सिर्फ छह धर्म हैं, बाकी तो नास्तिक हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। और छह धर्मों को परिवर्धन करने वाला छह धर्मों में ढपली बजाने वाला
वो सन्मुख कार्तिकेय गाया हुआ है। कितने मुख है? छह मुख है। छह धर्मों की विशेषता का गायन करने वाला है। देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करने नहीं करता, सन्यास धर्म का पक्का है। कहते ना ये तो छह मुंह से बात करता है, दो मुंह है, दो मुंह से बात करता है। तो वो बीज रूपात्मा है जो आस्तिक विधर्मियों में सबसे पावरफुल विधर्मियों की बीज है। शास्त्रों में उन्हें असुरों का, दैत्यों का, राक्षसों का गुरु के रूप में दिखाया गया है। कौन? शुक्राचार्य। क्या दिखाते हैं? उसका पत्नी है। पत्नियां दिखाते हैं। वो पत्नियां हैं कि माताएं हैं? वो माताएं हैं कि पत्नियां हैं? छह माताएं हैं। दो पत्नियां जो हैं वो तिरुपति को दिखाई गई है। क्या कहाँ की माता आती? हाँ, मंदिर में दिखा है। मंदिरों में आसपास पत्नियों को तो आसपास में मूर्ति दिखाते हैं। मूर्ति जो दिखाते हैं तो वही पूछ रहे हो किस लिए? उसी भी क्या है दिखाने, मतलब ये थोड़ा ही है कि पत्नियां ही है। शास्त्रों में माताएं दिखाई गई है। छह कृतिकाओं से उनका जन्म हुआ, छह माताओं ने उनको पाला। तो भक्ति मार्ग की पालना छह धर्मों में होती है। ज्ञान मार्ग में भी उनका पालन पोषण होता होगा जो आगे चल के प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा भीष्म को अव्वल नंबर का सन्यासी कहा गया है और ज्ञान मार्ग में जो अव्वल नंबर सन्यासी है उसके काम भी करता सूत्र पात्र भी होता है। सन्यासी तो पवित्रता को मानने वाले होते हैं, ये बात थोड़ा समझ नहीं आती है। क्रोध जहाँ होता है, मुरलीम बोला है, जिसमें क्रोध होगा उसमें काम का अंश जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि क्रोध और अहंकार हो और काम का अंश न हो। और बाबा एक भक्ति मार्ग की एक होता है सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। ज्यादा पावर किसमें होती है? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। आज की बात में आया है कि जो बच्चे ब्रह्मा को मुक्त करते होते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। जो बच्चे ब्रह्मा मुक्त, आज की वाणी किनके द्वारा लिखी जा रही है? आज जो वाणी चली, आज जो वाणी चली, हाँ, बोला कि ब्रह्मा के मुक्त जो सुनते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। कितने ब्रह्मा है? तो फिर कौन से ब्रह्मा के द्वारा? तो कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाएंगे? बस मेरा प्रश्न है, हाँ, जो बच्चों के मुख से सुनते ब्रह्मा कुमारी या कुमारियों के मुख से सुनते, हाँ, उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे कि नहीं? एक प्रश्न किया है मुरली में, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हो?
ब्रह्मा कुमार कहते हो तो अपने ब्रह्मा को तो बताओ कहाँ है, कहेंगे सूक्ष्म बतलवासी। तो तुम भी सूक्ष्म बतल में जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा से साकार ब्रह्मा कुमार कहाँ से पैदा हो जावेंगे? माना ब्रह्मा कुमार है तो ब्रह्मा भी होना चाहिए। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा नहीं होता। शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार तो अपने को कहला रहे हैं 69 के बाद ढेर के ढेर हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा का मुख कभी नहीं देखा, बाप का मुख देखा ही नहीं। और जिसको ब्रह्मा कहते हैं उस ब्रह्मा ने उन बच्चों का मुख कभी देखा ही नहीं, तो ब्राह्मण कहाँ से हुए? वो तो झूठे ब्राह्मण हो गए। जैसे भक्ति मार्ग में झूठे ब्राह्मण होते हैं, वैसे यहाँ भी झूठे ब्राह्मणों की शूटिंग करने वाले झूठे ब्राह्मण हैं। सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, जो ब्रह्मा का नाम रूप देश काल सब जानते हो। निश्चय बुद्धि तुम हो, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा के बारे में साफ पता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मूर्ति जो सुनेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की मूर्ति सुनेंगे बात का परिचय लेंगे, वो बात में ब्रह्मा कुमार कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार। हाँ, नहीं तो तुम क्या समझते थे? क्योंकि वो खुद भगवान को पहचानते नहीं है और दूसरों को भगवान का उपदेश देते हैं। कैसे हम तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे? चलो तीर्थ यात्रा में। तो जानवर बुद्धि हुए या मानवीय बुद्धि हुए? जानवर खुद भी नहीं सोचता है, दूसरों को भी सोचने का मौका नहीं देता। अहंकार सतो प्रधानता में बढ़ता है या तमो प्रधानता में बढ़ता है? मैं कौन से जानवर के मुंह से निकलता है? बकरे के मुंह से निकलता है मैं। तो वो मुख अगर तमो प्रधानता की स्टेज में लगा दिया जाए तो गलत लगा दिया या सही लगा दिया? है गलत लगा दिया, सही लगाया। बोला किसी आत्मा का प्रश्न था कि लौकिक संबंधित था कि ये जगन्नाथ मंदिर में ज्येष्ठ महीना में जब देश स्नान पूर्णिमा होता है तो जगन्नाथ के मूर्ति पर 108 कलश से नहलाया जाता है और बलराम को 22 कलश से और सुभद्रा बहन को 18 कलश से नहलाया जाता है देश स्नान पूर्णिमा में। ये बाबा कैसे ज्ञान मार्ग में लागू होती है? किसी आत्मा का प्रश्न था बाबा। आत्मा का प्रश्न न उठाओ, आत्मा कोई गुरु जी झूठा झूठा बता देंगे तो झूठा झूठा पूछने लगेंगे तुमको। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ हो? शास्त्रों में लिखा है। तुमने तो देखा नहीं किसी आत्मा ने पूछा, सुनी सुनाई बातों में चल पड़ते। पहले खुद कंफर्म करो। बाबा और एक प्रश्न था, बड़ा भाई बाप समान होता है तो लौकिक दुनिया में जगन्नाथ को तो छोटा भाई दिखाया जाता है, तो बड़ा भाई का नाम से हिसाब से जगन्नाथ मंदिर मंदिर का नाम पढ़ना चाहिए था बड़ा भाई का नाम के हिसाब से, परंतु छोटा भाई का नाम के हिसाब से जो जगन्नाथ जी है मंदिर में बैठे हुए हैं
वो कलयुगी है या सतयुगी है? बात खत्म। बाबा आदि खान, देश को हर प्रांत में देश कहते हैं, परंतु भारत को भारतवर्ष क्यों कहते हैं? वर्ष माने स्थान। हाँ जी। बाबा मुरली में आया था कि भारत को सन्यासियों ने थमाया, एक मुरली में क्लैरिफिकेशन में कि भारत पतित से पूरा डूब जाता है, इनको सन्यासियों पूरा कहाँ डूब जाता है? नहीं, पूरा डूब जाता अगर सन्यासी इसको नहीं थमाते। हाँ जी। तो ये चैतन्य भारत पर कैसा लागू होता है? सब की बात है। द्वापर के अंत में सन्यासी सन्यास धर्म को स्थापन करने के लिए आया शंकराचार्य। द्वापर के अंत में जो भारत के राजाएं थे वो ढेर की ढेर रानियां रखने लगे, उनमें भारत भी अव्वल नंबर था। फिर शंकराचार्य ने आकर के ऐसा ज्ञान दिया कि जो रानियों में आसक्त राजाएं थे उनकी आसक्ति रानियों से निकाल करके अनासक्त बनाया, लेकिन 100% अनासक्त नहीं बनाया, हद का संन्यास करना सिखाया, इंद्रियों का संन्यास करना सिखाया, मन को सन्यासी नहीं बनाया। 10 इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं और 11वीं इंद्री मन है वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म को संन्यास नहीं कराया और स्थूल संन्यास कराई दिया, तो संन्यास कच्चा रहा या पक्का रहा? सच्चा रहा। सब इंद्रियों को चलाने वाला है मन, और मन तो सन्यासी बना नहीं। इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल कर दिया, तो जो जोर जबरदस्ती से काम कराया जाता है वो हठयोग कहा जाता है। भगवान आकर के हठयोग नहीं सिखाता, क्या सिखाता है? सहज राजयोग सिखाता है। और सहज राजयोग में मन को कंट्रोल करना सिखाता है। जब मुखिया कंट्रोल में आ जाएगा तो जो सहयोगी हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। डकैतों का सरगना कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी डकैत तो अपने आप कंट्रोल हो जाते। तो सन्यासियों ने जो थमाया वो कोई नया नहीं थमाया, बौद्ध धर्म से सन्यास धर्म चलता चला आया है। बौद्धियों में भी सन्यासी थे, सन्यास धर्म चालू था, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियां, परंतु उन्होंने ये गलती हो गई तो उन्होंने बौद्ध विहारों में नशे में आकर के स्त्री और पुरुषों को, भिक्षु और भिक्षुणियों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया, इसलिए बौद्ध धर्म विचार में चला गया, खत्म हो गया, उनकी राजाई भी खत्म हो गई। ऐसे नहीं कि शंकराचार्य के आने से सन्यास धर्म शुरू हुआ, इसलिए मुरली में बोला है
कि सन्यास धर्म महात्मा बुद्ध के बाद आता है, महात्मा बुद्ध से ही आता है। महात्मा बुद्ध ने अपने घर गृहस्थ का परित्याग किया था या नहीं किया था, तो सन्यास हो गया। उनके फॉलोअर्स भी सन्यासी थे, और सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं सन्यासी थे, जितने भी धर्म पिताए हैं वो सारे ही सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग को लात मारने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले नहीं है, और सबने कोशिश की है दुनिया को गिरने से बचाने के लिए, माने दुनिया रूपी मकान का रिपेयर सबने किया है, टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होती रही, लेकिन नई दुनिया कोई ने नहीं बनाई। ऐसे ही शंकराचार्य ने भी सन्यास धर्म चला करके भारत को सिर्फ थमाया है, रिपेयरिंग करके, बाकी नया मकान नहीं बनाया। जैसे रिपेयर करने के बाद भी मकान गिरना चालू हो जाता है कि नहीं है, गिरना चालू हो जाता है, ऐसे ही सन्यास धर्म आने के बाद भी भारतवासी नीचे गिरते रहे। और इसका प्रूफ है कि शंकराचार्य के आने के तुरंत 100-200 वर्ष के अंदर ही विदेशियों का आक्रमण भारतवर्ष पर हो गया, जहां सच्ची प्योरिटी होती है वहां प्योरिटी के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी यूनिटी को नहीं बिगाड़ सकता। यूनिटी कब बिगड़ती है, जब प्योरिटी खलास होती है। तो सन्यासियों की प्योरिटी सच्ची प्योरिटी नहीं है, दिखावटी प्योरिटी है। सन्यासी अंदर से भी समझते थे कि हमारा मन काबू में नहीं है, मन रूपी 11वीं इंद्री विकारों में खोई हुई रहती है, हठ पूर्वक दुनिया को दिखाने के लिए जंगल में रह करके इंद्रियों को कंट्रोल करते थे। दुनिया वाले समझते हैं ये तो बड़ा पवित्र है, अंदर के मन को कौन देखेगा, तो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन अपने मन को विराम लगा दिया, दबा दिया, और दुनिया को पवित्र बन करके, सद्गुरु बन करके दिखा दिया। ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने अपने को शिवो हम कहना शुरू कर दिया, हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्मा है, आत्मा सुपरमात्मा। तो भारत को थमाने के निमित्त बने हैं कि भारत को आधीन बनाने के निमित्त बने, कुछ हद तक थमा तो आप बता। जैसे कोई डॉक्टर नीम हकीम है खतरे जान, नीम हकीम थैला छाप डॉक्टर होता है, आज के डॉक्टर भी होते हैं, स्टीराइड दवाई निकली है उसका इंजेक्शन लगा के रोगी को सरसब्ज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए,
रोगी और रोगी के परिवार वाले समझते हैं बड़ा अच्छा डॉक्टर है, कितना स्वस्थ बना दिया, थोड़े पैसे लिए अब कितनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी। थोड़े समय के बाद वही बीमारी फिर चालू हो जाती है और ऐसा आदि हो जाता है कि जब तक स्टीरॉइड का इंजेक्शन न ले तब तक ठीक ही नहीं होता। तो यही हालत सन्यासियों के इलाज की है। झूठी पवित्रता है, झूठा इलाज है। वो झूठा इलाज ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी कर रहे हैं। जो सफेद कपड़ों के सन्यासियों के रूप में बैठे हुए हैं, पाम पेंट सो ज्यादा है, बकबकी सफेद ड्रेस बना करके दिखा देंगे, सफेद कपड़ों में लपेट के दिखा देंगे। अंदर अंदर क्या चल रहा है वो तो मुरली में इशारा दे दिया है। आगे चल करके सरकार इंसाफ के अड्डे निकाल करके इकट्ठा कर देगी। सच्चाई सच्चाई रहती है, सत्य एक परमपिता परमात्मा है, बाकी ढेर के ढेर गुरु नहीं हो सकते सच्चे। कहलाते हैं अपन को सदगुरु, लेकिन सदगुरु होते नहीं हैं। सदगुरु तो इतना गुप्त पार्ट बजाता है कि लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं।